दोस्तों मूवियाँ तो आपने बहुत तरह की देखी होंगी, पर हॉलीवुड की एडवेंचर मूवीज़ की बात ही कुछ और होती है। ये मूवी आपको एक अलग ही लेवल पे इंटरटेन कर रही होती हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 बेस्ट एडवेंचर मूवीज जो आपको पूरी तरह से हिला के रख देंगी। इन मूवियों को आपने शायद ही कभी देखा हो। इन मूवीज की स्टोरीज, ग्राफिक्स, CGI और VFX कमाल कहेंगे आप। इन मूवियों को देखते वक्त अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे स्क्रीन से, और यकीन मानिए इन मूवियों को देखने के बाद आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, आपका नजरिया बदल जाएगा और आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएंगे इन मूवियों को देखने के बाद। इस लिस्ट के अंदर जो मूवियां मैंने ऐड की हैं वो बहुत ही हाईली रेटेड मूवीज हैंगी, और ये मूवीज अपने टाइम पे बहुत ज्यादा हिट मूवीज रही हैं, तो यकीन मानिए ये मूवीज आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आप कोई भी अच्छी हॉलीवुड मूवी को मिस ना कर सके जो अभी अभी हिंदी में आई है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी मूवीज भी मिलेंगी जो अभी अभी हिंदी में डब हुई है। दोस्तों हमारी लिस्ट की जो पहली मूवी है उसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्सिया। इस मूवी की मेन कास्टिंग है जैक गैनेहॉल और गेमा आर्टर्टन। ये मूवी बहुत ही कमाल की मूवी है। अगर आपको पसंद है मैजिकल मूवीज, और वो भी ये मूवी बेस्ड है एक गेम के ऊपर जिसका नाम भी प्रिंस ऑफ पर्सिया है। ये गेम काफी हिट रही है और उसी तरह ये मूवी भी काफी हिट मूवी रही है। इस मूवी के मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दूं, मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है। मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैजिकल नाइफ होता है, चाकू होता है, उस चाकू के अंदर एक रेत होती है। वो रेत की मदद से कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, खाली चाकू के ऊपर का बटन दबाना और वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। इस मूवी की अगर बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में होता यह है कि जो हमारा हीरो होता है प्रिंस, उसके ऊपर ये आरोप लग जाता है कि उसने अपने पिताजी का कत्ल किया। उसी वक्त उसके हाथ में गलती से वो नाइफ लग जाता है, और उस नाइफ के पीछे बहुत बुरे लोग भी पड़े होते हैं जो उस नाइफ का यूज करना चाहते हैं तबाही के लिए। तो इस मूवी में देखना ये है क्या हीरो अपने आप को बचा पाता है और क्या वो उस नाइफ को भी बचा पाता है। तो आप इस मूवी को जरूर देखिए। इस मूवी के अंदर जो फाइट सीक्वेंस दिखाए गए हैं, फाइट सीन्स दिखाए गए, वो कमाल कहेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों हमारी सेकंड मूवी हैगी द सॉर्सरर अप्रेंटिस। दोस्तों इस मूवी की मेन कास्टिंग हैगी निकोलस केज, बे बायोचल, टेसरा पैलमर। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग्स मिली है 6.1 out of 10, और दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर हैंगे जॉन टर्टल टैम। दोस्तों इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट हैगा वो ये हैगा कि अगर आज के समय में 21st century में अगर जादूगर होते तो वो किस तरह का मैजिक करते, वो किस तरह का एक्शन करते, किस तरह से लड़ाइयां होती, वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता दूं, इस मूवी के अंदर होता ये है कि दो जादूगर होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जो बुरा जादूगर होता है उसको अच्छा जादूगर कैद कर देता है एक डॉल के अंदर, क्योंकि जो बुरा जादूगर होता है वो ये चाहता है कि वो काला जादू का राज्य पूरी पृथ्वी पे कायम कर दे, जो काला जादू है वो पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर ले। पर अच्छा जादूगर ये नहीं चाहता और वो अकेले उसको नहीं रोक सकता, इसलिए वो एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए निकलता है जो एक महान जादूगर बन सकता है। जो अच्छा जादूगर होता है वो इसके लिए इंडिया भी आता है, बहुत सारे कंट्रीज में जाता है, पर उसको ऐसा लायक बंदा मिल नहीं रहा होता। लेकिन एक दिन सडनली उसको बच्चा मिल जाता है। तो इस मूवी में देखना ये है क्या वो लोग उस बुरे जादूगर को रोक पाते हैं पूरी पृथ्वी पे काले जादू का राज्य कायम करने से या नहीं। तो आप इस मूवी को जरूर देखिए, कमाल की मूवी है। जो इसके एक्शन सीक्वेंस है कमाल कहेंगे, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों हमारी फोर्थ मूवी हैगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सेलार्स रेवेंज। इस मूवी की मेन कास्टिंग हैगी जॉनी डेप, जियोफर्जी रश, ऑरलैंडो काया, स्कॉडालारियो। दोस्तों ये मूवी के अभी तक 5 parts आ चुके हैं। ये जो मूवी मैं बता रहा हूँ ये 5th part है और 5 parts हिंदी में होंगे। इस मूवी का जो मेन हीरो होता है उसका नाम है जैक स्पैरो, और ये बंदा पागल होता है, मतलब थोड़ा मेंटल टाइप का होता है, कॉमेडी बहुत करता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है, इसीलिए तो ये मूवी का हीरो है। इस मूवी के सारे पार्ट्स एक हिट रहे हैं और उसी तरह ये मूवी भी एक हिट मूवी रही है। इस मूवी के अंदर होता यह है कि जो विलन्स होते हैं उनको श्राप मिला होता है कि वो कभी धरती पे कदम नहीं रख सकते, वो समुद्र में ही रहेंगे, ना वो कुछ खा पी सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मर चुके होते हैं लगभग। तो अब वो लोग जॉनी डेप को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद से वो लोग समुद्र के सारे श्रापों को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो लोग भी आजाद हो जाएं। तो मूवी में देखना ये है कि जैक स्पैरो उस श्राप को खत्म कर पाता है या नहीं। तो मूवी को आप जरूर देखिए। दोस्तों हमारी 5th मूवी हैगी असैसिन क्रीड। इस मूवी की मेन कास्टिंग हैगी मिकेल फैसबेंडर, मरीनो कॉटिलैंड, जेरमी आयरन्स। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है IMDb पे 5.7 out of 10। रेटिंग्स ठीक ठाक है लेकिन मूवी जबरदस्त है। ये मूवी बेस्ड हैगी इसी के नाम के एक गेम के ऊपर जिसका नाम है असैसिन क्रीड। आपको तो पता ही होगा अगर आप गेम खेलते हैं, असैसिन क्रीड के अभी तक बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं गेम के, और ये गेम काफी हिट गेम रही है आज तक की, और इसके अभी भी बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं। इस मूवी की मेन स्टोरी की बात
करूं, मतलब थोड़ी सी स्टोरी की बात करूं, तो इसके अंदर होता यह है कि जो आज के जमाने के लोग होते हैं उन लोगों को एक ज्ञान की तलाश होती है, खास तरह के ज्ञान की। ज्ञान का मतलब समझ सकते हैं नॉलेज, और वो नॉलेज उनको पता चलता है कि पास्ट में जो एसेशियंस की जो बिरादरी हुआ करती थी उन्होंने इसको धुपा के रखा था। अब ये लोग क्या करते हैं, उसी एसेशियंस की बिरादरी से कुछ लोगों को लेके आते हैं और उनके दिमाग के अंदर, उनके दिमाग की मदद से, उनके यादों के थ्रू ये लोग पास्ट में जाते हैं और उस ज्ञान का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको वो ज्ञान मिल सके। तो इस मूवी में देखना यही है, क्या ये लोग उस ज्ञान को, नॉलेज को हासिल कर पाते हैं या नहीं। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, गजब की मूवी है। दोस्तों हमारी सिक्स्थ मूवी है जॉन कार्टर। इस मूवी की मेन कास्टिंग है टेलर क्रिट्स, लैन कॉलिंस, मार्क स्ट्रॉन्ग। इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 out of 10 IMDb पे। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और दोस्तों एक मस्ट वॉच मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए, गजब की मूवी है। इस मूवी का जो मेन हीरो है उसका नाम है जॉन कार्टर। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ जॉन कार्टर। अब एक दिन क्या होता है, जॉन कार्टर को पता चलता है कि अमेरिका में एक जगह पे बहुत सारा सोना है। वो वहां पे सोने की तलाश में दिन रात लगा रहता है, कई साल लगा देता है। एक दिन वो ऐसे ही जा रहा होता है गुफा के अंदर सोने की तलाश में, तो वहां पे वो देखता है, जा रहा होता है और वहां पे अचानक से उसके सामने एक ऐसा बंदा प्रकट हो जाता है जो थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। और इन दोनों में, जॉन कार्टर में, उसमें थोड़ी सी झड़प होती है और गलती से जॉन कार्टर उसको गोली मार देता है। और जब मार देता है तो उसके हाथ में एक लॉकेट होता है, जॉन कार्टर उसको अपने हाथ में उठाता है और वो आदमी जो होता है वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जैसे ही जॉन कार्टर उसको बड़बड़ाता है, जॉन कार्टर सीधे पृथ्वी से मंगल पे पहुंच जाता है। मंगल ग्रह पे चुटकी बजाते ही टेलीपोर्ट हो जाता है। और आपको शायद ये ना पता हो कि मंगल जो है वो पृथ्वी से 3 गुना छोटा है लगभग, और वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम है। इसकी वजह से अगर कोई भी पृथ्वी का बंदा मंगल पे जाएगा तो उसके अंदर एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होगी, वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है, बहुत शक्ति होगी उसके अंदर, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके जो मसल्स है वो पृथ्वी पे डेवलप हुई है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। लेकिन मंगल पे गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाएगी। और गलती से जो हमारा हीरो होता है जॉन कार्टर, वो मंगल पे एक युद्ध में फंस जाता है, क्योंकि मंगल पे मंगलवासी रह रहे होते हैं और उनके बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहे होते हैं। तो अब देखना ये है कि हमारा हीरो जॉन कार्टर उस युद्ध में जीत पाता है या नहीं, और क्या वो पृथ्वी पे लौट पाता है या नहीं। दोस्तों ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, डिज्नी की कमाल की मूवी है। दोस्तों हमारी सेवंथ मूवी है गॉड ऑफ इजिप्ट। इस मूवी की मेन कास्टिंग है जेरार्ड बटलर, निकोलस कॉस्टर, वाल्डो ब्रैंटन। दोस्तों इस मूवी को रेटिंग्स मिली है IMDb पे 5.4 out of 10। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मूवी गजब की है। अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है जिसके अंदर गॉड लाइक मैजिक और फाइट और एक्शन हो, ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए, कमाल की मूवी है। स्टोरी पे मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, पूरी मूवी की स्टोरी आपके सामने आ जाएगी तो शायद आपको देखने में मजा ना आए, पर आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, हमारी लिस्ट के अंदर है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी मूवी है। और पर्सनली मैंने सारी मूवीज को देख रखा है, इसीलिए मैं आपके सामने इन मूवी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप जरूर देखिए इस मूवी को। दोस्तों हमारी 8th मूवी है लॉरा क्राफ्ट, टॉम राइडर, द क्रेडल ऑफ द लाइफ कास्ट। इस मूवी की मेन कास्टिंग है एंजेलिना जॉली, गेरार्ड बटलर, नोहा टाइलर। दोस्तों अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद है जिसके अंदर ट्रेजर हंटिंग हो, मैजिक हो, एक्शन हो और ड्रामा हो, तो आपको मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी की स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि स्टोरी बताने में ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वैसे भी स्टोरी बताने का मजा नहीं आता, लेकिन आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसके अभी तक 4 पार्ट आए और चारों के चारों जबरदस्त हिट रहे हैं। इसके 3 पार्ट हिंदी में होंगे और जो सबसे नया वाला पार्ट है वो इंग्लिश में आएगा, लेकिन आपके सामने जो मैंने मूवी प्रेजेंट की है हिंदी में, ये डोंट वरी, आप इसको जरूर देखिएगा, गजब की मूवी है, आपको एडवेंचर, इसके अंदर जो मैडिक कमाल की मूवी है आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों हमारी 9th मूवी है हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर। दोस्तों इस मूवी की मेन कास्टिंग है ग्रैमा अर्टन और जर्मी रनर। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है IMDb पे 6.1 out of 10। दोस्तों अगर आपको विच हंटिंग मूवीज, मतलब डायनो को पकड़ने वाली मूवीज, थ्रिलर मूवीज, हॉरर मूवीज, एडवेंचर और ब्लैक मैजिक मूवीज पसंद है, तो आपको सारा कॉम्बिनेशन इसी एक मूवी में मिल जाएगा। इस मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो होता यह है कि इसके अंदर 2 भाई बहन होते हैं, हैंसल एंड ग्रेटल। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्रोफेशनल विच हंटर होते हैं, ये डायनो को पकड़ते हैं। पर इस मूवी के अंदर एक ऐसी डायन अचानक से आ जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है और ये लोग भी उसको आसानी से नहीं पकड़ पाते, और अमावस आने वाली होती है और अगर उससे पहले इन्होंने उसको नहीं मारा तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पूरी पृथ्वी पे अपने काले जादू का कहर बरसा देगी। तो अब देखना यह है क्या ये दोनों उसको हरा पाते हैं या नहीं।
दोस्तों हमारी 10th मूवी हैगी मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल। इस मूवी की मेन कास्टिंग हैगी एंजेलिना जोली, मिशेल पिफर। दोस्तों ये मूवी 2019 में ही रिलीज हुई है। इससे पहले इसका एक और पार्ट आ चुका है पर वो हिंदी में नहीं है, लेकिन ये पार्ट हिंदी में हैगा और अब ये HD में रिलीज हो चुका है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं बहुत दिनों से कोई तरीका ढूंढ रहा हूं जिसकी वजह से मैं आपको इन सारी मूवीज के लिंक दे सकूं ताकि आप डायरेक्टली इनको डाउनलोड कर सके, पर मैं यूट्यूब में आपको डायरेक्टली नहीं दे सकता क्योंकि यूट्यूब फिर ब्लॉक कर देगा वीडियोस को, आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे। मैं कोई जल्दी से तरीका ढूंढता हूं जिसकी वजह से मैं आपको सारी मूवीज के डायरेक्ट लिंक दे सकूं, जिसकी वजह से आप एक चुटकी बजाते ही मूवीज को डाउनलोड कर सके, वो भी अपनी मनपसंद क्वालिटी में। ये मूवी आपको जरूर दोस्तों देखनी चाहिए। इसकी रेटिंग्स काफी अच्छी होंगी और इसका पहला पार्ट भी काफी अच्छा था, उसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी काफी अच्छा है, तो आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लाने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 2020 में जो मूवियां हिंदी में डब हुई हैं उन सभी की लिस्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। और ये मूवियां काफी कमाल की हैं जो पहले इंग्लिश में रिलीज हुई थी पर अब हिंदी में आ चुकी हैं और उन सभी की लिस्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं और मैं कोई ना कोई तरीका जरूर लाऊंगा जिसकी वजह से आप डायरेक्टली उन मूवीज को डाउनलोड कर सके। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।